हेलो फ्रेंड्स, फिलोसोफर जियान जैक्स रूसो ने कहा है कि इंसान आबाद जन्मा है, लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हर इंसान खुद को दूसरों का बॉस समझता है, लेकिन इसके बावजूद वो उनके कंपेयर में गुलामी का ज्यादा बड़ा शिकार है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना आपको कभी सच्ची हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। हो सकता है फ्रीडम आसानी से भी मिल जाए, लेकिन इसकी एक प्राइस होती है। जो ये प्राइस चुकाने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग ही अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। ये बुक कई मायनों में उनकी रिच डैड पुअर डैड बुक का दूसरा भाग है। आप में से जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी हो, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बुक पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। आप इस बुक के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल दौराहे पर खड़े हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट आप ही के लिए लिखी गई बुक है। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलना चाहते हो और इसका कंट्रोल आज ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो ये बुक इस जर्नी का नक्शा बनाने में आपकी मदद करेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। हम में से हर पर्सन कैश फ्लो क्वाड्रेंट के इन चार क्वाड्रेंटों में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में रहता है। हम कहाँ हैं, ये इस बात से तय होता है कि हमारी इनकम कहाँ से होती है। हम में से ज्यादातर लोग सैलरी पर डिपेंड हैं और इसलिए एम्प्लॉय हैं, और जबकि बाकी खुद का बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड में वे लोग आते हैं जिन्हें अपने ओनरशिप वाले बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट चार अलग अलग तरह के लोगों के बारे में है जिनसे बिजनेस की दुनिया चलती है। ये बुक बताती है कि हर क्वाड्रेंट के लोगों में कौन सी अनूठी चीज है। हालांकि फाइनेंशियल फ्रीडम इन चारों ही क्वाड्रेंटों में पाई जाती है, लेकिन बी या आई की क्वालिफिकेशंस आपको फाइनेंशियल गोल तक ज्यादा जल्दी पहुंचा देती है। जो सक्सेसफुल ई यानी एम्प्लॉय है, उन्हें सक्सेसफुल आई इन्वेस्टर भी बनना चाहिए। दोस्तों, हम में से हर किसी को ये सवाल जरूर पूछा गया होगा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? और क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमें हमेशा ये एडवाइस मिलती है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सिक्योर जॉब ढूंढ लो। गरीब और मिडिल क्लास पेरेंट्स हमेशा एडवाइस देते हैं कि या तो हाई सैलरी वाला ई यानी एम्प्लॉय बने, या फिर हाई इनकम वाला एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बने, क्योंकि मोस्टली लोग परमानेंट सैलरी और जॉब सिक्योरिटी के बारे में बहुत परवाह करते हैं। दूसरी ओर, अमीर लोग अपने बच्चों को बिल्कुल अलग एडवाइस देते हैं। अमीर अपने बच्चे से कहते हैं, कॉलेज जाओ, ग्रेजुएट बनो, बिजनेस बनाओ और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनो। वे लाइफ में हमेशा इस रास्ते पर चलने की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार है, खास तौर पर उनके लिए जो प्रेजेंट में ई या एस क्वाड्रेंट में है और बी या आई क्वाड्रेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो जॉब सिक्योरिटी के बजाय फाइनेंशियल सेफ्टी हासिल करना चाहते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इस जर्नी के लास्ट में प्राइस इतने बड़े हैं कि ये प्रॉफिटेबल साबित होती है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है। आइए दोस्तों, एक स्टोरी के जरिए हम इसे ज्यादा आसानी से समझते हैं, जो आपको प्रचुर दौलत और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में गाइड करेगी। इस स्टोरी के जरिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड यानी ई और एस, और क्वाड्रेंट के राइट साइड यानी बी और आई क्वाड्रेंटों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, बारिश ना होने पर इस गांव में पानी नहीं रहता था। गांव वाले इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए गांव के बुजुर्गों ने गांव में रेगुलरली पानी उपलब्ध कराने के लिए टेंडर मांगे। दो लोग इस काम को करने के लिए अपनी मर्जी से आगे आए और गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों को ही इसका ठेका दे दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी कॉम्पिटिशन होने पर प्राइस कम रहेंगे और पानी की सप्लाई का ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी बना रहेगा। इन दोनों सफल ठेकेदारों में से एक का नाम एड था। जैसे ही उसे ठेका मिला, वो जल्दी से मार्केट भागा। उसने स्टील की दो बड़ी बाल्टियां खरीदी
और एक मील दूर नदी के पास भागता हुआ गया। वो जल्दी से पैसे कमाने लगा क्योंकि सुबह से शाम तक वो नदी से बाल्टियां भरता था और उन्हें गांव में बने सीमेंट के तालाब में भर देता था। वहीं दूसरे ठेकेदार जिसका नाम बिल था, उसने बाल्टी से काम करने की जगह एक पाइपलाइन बनाने पर विचार किया। उसे शुरू में पैसा कम मिला लेकिन वो लगातार नदी से गांव के तालाब तक पाइपलाइन बिछाने में लगा रहा। दूसरी तरफ एड ने दो नई बाल्टियां और खरीद ली। अब वो हर चक्कर में चार बाल्टियां लाने लगा। बेहतर सर्विस देने के लिए उसने अपने बेटों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया ताकि वे उसकी नाइट शिफ्ट और छुट्टियों में उसकी हेल्प कर सके। जब उसके लड़के कॉलेज गए तो उसने उनसे कहा, जल्दी आना क्योंकि किसी दिन ये बिजनेस तुम्हारा होगा। न जाने क्यों कॉलेज पूरा करने के बाद उसके दोनों बेटे वापस नहीं लौटे। आखिरकार एड ने कुछ एम्प्लॉयज काम पर रख लिए लेकिन उसे एम्प्लॉयज यूनियन के समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूनियन ज्यादा मजदूरी और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही थी और चाहती थी कि इसके मेंबर एक बार में सिर्फ एक बाल्टी पानी ही ढोए। दूसरी तरफ बिल की पाइपलाइन जब गांव के तालाब तक पहुंच गई तो उसे अब कुछ नहीं करना था। वो केवल बटन दबाता और पानी बेचकर पैसा कमा लेता था। इसके बाद बिल ने सोचा कि इस गांव की तरह ही दूसरे गांव में भी पानी की जरूरत होगी। उसने बिजनेस का एक और प्लान बनाया। इसके बाद वो कम टाइम ज्यादा पानी, कम लागत और साफ पानी के अपने डिलीवरी सिस्टम को बेचने के लिए दुनिया भर के गांवों में गया। वो हर बाल्टी पानी पर सिर्फ एक पैसे कमाता था लेकिन वो हर दिन अरबों बाल्टी पानी पहुंचाता था। चाहे वो काम करे या फिर ना करे, अरबों लोग अरबों बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते थे और सारा पैसा उसके बैंक खाते में जमा होता रहता था। बिल ने एक ऐसी पाइपलाइन बना ली थी जिससे उसके पास पैसा आता था और गांव वालों के पास पानी। दोस्तों, बिल हमेशा सुख से रहा। दूसरी तरफ एड जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझता रहा। तो दोस्तों, स्टोरी खत्म हुई। बिल और एड की इस स्टोरी ने बरसों से अमीर लोगों को गाइड किया है। तो दोस्तों, आपको अक्सर खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला, मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ या बाल्टियां भरकर पानी डाल रहा हूँ? दूसरा, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ या स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा हूँ? इन सवालों के जवाब आपको फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है अगर आप ई या एस वाले लेफ्ट साइड में बने रहने का ऑप्शन चुनते हैं। तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास जरूरत नहीं है। बहरहाल, अगर आप बी या आई के रूप में क्वाड्रेंट के राइट साइड में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा। बी या आई बनने के लिए आपको उस डायरेक्शन को कंट्रोल्ड करना होगा जहां से आपका कैश फ्लो या इनकम आ रही है। दोस्तों, हम इन्फॉर्मेशन एज की शुरुआत में है। ये एज फाइनेंशियल प्राइस के और ज्यादा अवसर प्रदान करेगी। बी और आई की एबिलिटी वाले लोग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकेंगे और उनका यूज कर सकेंगे। इन्फॉर्मेशन एज में सक्सेसफुल होने के लिए पर्सन को चारों क्वाड्रेंटों की नॉलेज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, हमारे स्कूल अब भी इंडस्ट्रियल एज में हैं और स्टूडेंट्स को क्वाड्रेंट के सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।